भाइयों पौने 5 बजने को है, 5 बजे लाइट आएगी। आज 12 बजे से ये चल रहा है हमारा इन्वर्टर, जनरेटर चल रहा है, इन्वर्टर खराब हो गया था, इन्वर्टर लाए हम दूसरा, ये गाड़ी में रखा है। 5 बजे लाइट आओगी तभी से बंद करेंगे, बालक परेशान हो जाए बिना हवा के। ये पंखा इसी चल रहा है भाइयों, अब शरीर ऐसे हो गए बिना हवा नहीं रह जाता। चलो हम तो रह ले, बालक को बड़ी दिक्कत है, बालक नहीं सो पाते, बेचैनी होती है बालक को बहुत ज़्यादा है। मेहर बबलू भी आए हैं मोदी प्रम से इन्वर्टर लेके दूसरा, वो कल को ले जाएगा, उन्होंने टेम्परेली दे दिया है उनको, इसे लगा लेना। मगर अच्छा भाई, भाई ये फार्म ट्रैक 45 खड़ा है मोहल्ले में आज यहाँ। इनके दरअसल राजू का जो हका है, इनका काम चल रहा है चिनाई का, सरिये वरिये उन्होंने यहाँ ला खड़ा कर दिया, कोई बात नहीं भाई। ये बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, फार्म ट्रैक है इनका, 45 वो जोड़ा खड़ा है, 7 मिस्त्री और ढक दिया, ये तो रोड़ा जाएगा मिस्त्री के। भाई यो जनरेटर चलाना पड़ रहा है, आज हमारा ऊपर का इन्वर्टर खराब हो गया, उसकी वजह से लाइट आओगी 5 बजे, 5 बजे तक चलेगा ये जनरेटर। किसान भाइयों, पिछली के वीडियो में मैंने बताया है कि साइड बिजनेस किसान के लिए होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भाइयों के लिए मैंने यूट्यूब के लिए बताया चैनल की बात, कुछ भाई बिल्कुल नहीं जानते, वे ना बना पाएंगे तो ना बनाए तो अच्छा है, क्योंकि ना तो वे चैनल चला सकते ना वे खेतिया काम कर सकते। ये तो उनके लिए है जो कुछ कर गुजरने की इच्छा हो मन में। भाइयों मेरा तो सपना था, मुझे तो कुछ करना था, हर आदमी इस तरह का नहीं होता। देखो मैंने 2 सिल्वर बटन लिया है मैं, अब मुझे गोल्डन बटन भी जीतना है। आपके मैं मर मर का बचा, 1 साल खाट पर रहा, फिर भी भगवान से ये इच्छा है कि मैं गोल्डन बटन ले आऊँ। मैंने फिर मेहनत शुरू कर दी है भाइयों, इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति जगाओ पहले अपने अंदर कुछ करने की। ये मैं सोचो मैं नहीं कर सकता, कर सकते हो। आज भी मैं खुद चैनल बनाना नहीं जानता, काम करवाता हूँ पैसे दे के, या पढ़ने वाले बच्चे आ जाते हैं उनसे करवाता हूँ, लेकिन वीडियो बनानी आसान है। वीडियो बनाते रहो, डालते रहो, बढ़ाते रहो, डालते रहो। भाई हम तो अंश को पढ़ा रहे हैं, अंश को लैपटॉप सिखवा रहे हैं अभी स्कूल में, ताकि ये अपना काम संभाल ले बिजनेस को। भाइयों आजकल ऑनलाइन बिजनेस इतने हो गए, करने वाला सीखिए, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हमारा समय तो गुजर लिया, 8वीं 10वीं कुछ पढ़ाई नहीं होती, मतलब इंजीनियर माइंड होना चाहिए बच्चे का। भाइयों बिना पढ़े लिखे के तो सब कुछ बेकार है मामला, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। चाहे पढ़ कर फिर वो नौकरी ना करें, खेती कर लें, अपना बिजनेस कर लें, लेकिन किसी का मोहताज तो नहीं रहता पढ़ा लिखा बच्चा। भाइयों मेरी 65 साल की उम्र है, अब नहीं है पढ़ने की, बाकी मेरे बड़े मन में कीड़ा है, कुल बुलाता है, मन करता मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन क्या करें। फिर भी मैंने 2 चैनल बनाकर इतनी हिम्मत कर ली, 2 बालकों को बनवा दिए, 1 अंश का बनवा दिया, 5 चैनल बना दिए घर में। पुनीत बबलू कुछ पता नहीं था यूट्यूब के बारे में, मैंने ही इनका काम चलवाया, मैं कहा भाई तुम करो कुछ तो करो, जब नौकरी नहीं है तो ये काम करो। आगे आगे नौकरी भी उनकी है, जो भाइयों को अच्छे पढ़े लिखे माइंडेड बच्चे हैं, जो बेकार हैं वे तो बस मेहनत मजदूरी करके रह जाएंगे। भाइयों घर में 2 बालक होशियार हों, 1 थोड़ा सिरोल हो, उसकी गाड़ी खींच लें वे 2 जो हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब शादी हो जाना काले सिर वाले आ जा, फिर वो अपने आदमी को भका लें, वो ना देने देती एक पैसा भी किसी को। इसलिए ये मैं सोचो कि एक को पढ़ा ले, एक अनपढ़ रह जा,
सब पढ़ो, मेहनत करो। बहुत सी मिसाल ऐसी हैं, एक भाई ने छोटे भाई के लिए दूध पहुँचाया शहर में, उसे पैदल जाया करता पढ़ाना हमारी रिश्तेदारी में। आज वे शहर वाले के बच्चे कामयाब हो गए, उनके अपने स्कूल बन गए, पेट्रोल पंप लगा लिए, गांव वाले रह गया। फिर वे न्यारे हो गए, उन्होंने अपना हिस्सा नहीं छोटा वो ले लिया शहर वाले ने, बेच के उन्हें शहर में लगा दिया। गाँव वाले जो है मजदूरी करे दो बिगारी उन पर। तो भाइयों अपना ख्याल करें, दूसरे के चक्कर में अपना भविष्य खराब ना करें। ठीक है, मदद करो दूसरे की, लेकिन अपना भी ख्याल रखो, अपने बच्चे का भी ख्याल रखो। अपनी मेहनत ही काम आती है, अपने मुकद्दर ही काम आते हैं, दूसरे के मुकद्दर रख कुछ नहीं होता। ये जो हमारे बुड्ढे हैं गांव में, वो फलाने खानदान का, वो फलाने, ये सब भैया तो थे पहले भाइयों, उनके बंटवारे होते चले गए, बढ़ते चले गए, दूरियां बढ़ती गई, मोहब्बत कम हो गई। एक का बालक शैतान था, उन्होंने डोड़ काट लिया, फौजदारी होगी, लड़ाई होगी, सिर फूट गए, मर्डर हो गए, ये सब घर खानदान में ही तो हरे सब लपड़े। तो इसलिए भैया अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बहुत बढ़िया शिक्षा दो, ना तो वो किससे लड़े ना किसी का लेवे, ऐसे संस्कार दो बचपन से बच्चे को, वो पढ़े, बिना पढ़े तो बेकार है। आने वाला कल जो होगा ना, पढ़े लिखो का होगा, ऑनलाइन बिजनेस का, खेती पीती तो सब ठप हो जाएंगी। रोटी खाने की जरूरत नहीं, अब तो सरकार ऐसे कैप्सूल बना रही है कि एक कैप्सूल खा लो सौ भूख नहीं लगती। भाइयों ये अनाज जो है दूर की बात हो जाएंगी, डॉक्टर ने बता दिया गेहूँ खाने से तो शुगर होता है, और क्या बैंगन खावें बताइए। जब डॉक्टर इन कह रहे हैं गेहूँ से चीनी से शुगर होता है, तो इसका मतलब किसान की चीज़ तो बेकार, गन्ना बेकार है और गेहूँ बोना बेकार है। चने होते नहीं, चने नुक चने खाओ, जब चने होते नहीं तो कहाँ से खावें। मोल को मिले हैं 5-6 हज़ार रुपये कुंटल, कौन ले लेगा भाई। तो भाइयों ऐसी हमारी साइंस होगी, ऐसी सरकार होगी, सब किसान के पीछे पड़ रहे हैं। तो किसान भाइयों को भी इस खेती में मोह छोड़ना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, खुद तरक्की करनी होगी। जब ऑनलाइन बिजनेस सब कर रहे हैं तो किसान का बालकों को करने पड़ेंगे। हमारे बालक क्यों दही तुड़ावा खेती में, मत करो गेहूँ पैदा, मत करो गन्ना पैदा, ऐसा काम करो प्रॉपर्टी से बेचो मत ना, कहीं अच्छा रेट मिले तो दे दो, नहीं बिच्ची बिल्कुल मत बहाओ, बढ़ जाने तो वजन तो ही अपना। लेकिन जो है करने खाने के लिए बहुत बिजनेस है, उन्हें करो, वो अनपढ़ रह के नहीं होंगे, वे होंगे पढ़ लिख के। जिस तरह आज मजदूर का बालक पढ़ रहा है, किसान के बच्चे को पढ़ना होगा, वरना पुलिस चित्तड़ पिटेगी, राजा ने गुंडागर्दी कर रहे हैं किसानों का बालक, पुलिस ने लठ्या होगी, यही रहेगा काम। एक काम और ध्यान रखें, अपने बच्चों को सिखाएं कि कोई काम ऐसा ना करें जो कानून के खिलाफ हो, जिस पर कोई दफा लगती हो ऐसा काम तो बिल्कुल ना करें। जैसे किसी के पैसे छीन लिए राजनी होगी, उस पर दफा 25 लगी, तमंचा ले लिया, इस पर हथियार अवैध रखने पर दफा लगी, मतलब कोई गैर कानूनी काम ना करें, बालकों अंदर डर पैदा कर दें। भाई ऐसी चीज़ मत करो, घर से बाहर निकलो तो वाहन का लाइसेंस होना चाहिए, कागज पूरे हों। आजकल तो प्रदूषण भी जरूरी कर दिया, भला जिनकी मोटरसाइकिल धुआं देती जा रही सफ़ेद, उन्हें कोई नहीं पकड़ा, उनके भी तो प्रदूषण बन रहे होंगे। नई गाड़ी है उनके प्रदूषण है, हमने नई कार ली इसका प्रदूषण कराया, नई बाइक को कराया, सभी कराते हैं। हेलमेट जरूरी है भाइयों, ऐसा क्यों मौका दो कि हमें कोई पकड़े। काम ऐसा करो जो सबको अच्छा लगे। भाइयों इस वीडियो में तो इतना ही काफ़ी है, कल हम बड़ी मुसीबत में रहे, पुनीत की मौसी गुजर गई छोटी थी, इनसे पूरा दिन वहीं रहे हम, शाम को आए। ये थी कमला राठी, वरुण सिंह राठी हैं धीरेडी के, उनसे ब्याही थी ये, उनका बेटा एक ही है बबलू राठी है, वो उसका नाम है विशाल राठी, जिन्हें विश्वास राठी मेरे तो याद नहीं, बबलू कहते हैं हम तो बचपन से।
वो लड़का विदेश में था, वो तो बेचारा आ गया, उसके बहू बच्चे नहीं आ पाए। चलो अपनी माँ के लास्ट टाइम में वो आ गया, बड़ी अच्छा लगा हमें तो। अकेला ही बेटा भाई, हो बड़ी तंदुरुस्ती स्वस्थ, अचानक ही उनका ब्रेन हैमरेज हो गया। परमात्मा को ऐसा ही मंजूर था। नमस्कार।